तो आज के हमारे इस MIS की कोर्स में हम बात करने जा रहे हैं SQL सर्वर की। तो हमने लास्ट क्लासेस में बताया कि किस तरीके से आप टेबल क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, आप कैसे आप ग्राफिकली करेंगे माउस के जरिए, कैसे आप फ्रैक्टली क्यूरी के जरिए करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि डेटाबेस को डिलीट कैसे करेंगे। अगर कोई डेटा, मान लीजिए कि अभी टेस्टिंग के तौर पे आपने कई सारे डेटाबेस जैसे देखे, कई सारे बेस बन गया, डेटाबेस बन गया है, जो किसी एक को डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे होगा? तो राइट क्लिक कीजिए, डिलीट पे क्लिक कीजिए, कि नॉर्मली डिलीट हो जाता ओके है। ठीक है, यहाँ पे ओके ठीक कीजिए, यहाँ पर डिलीट हट गया सर वीटी डेटा। बट इसी चीज को मैं करना चाहता हूं क्यूरी के थ्रू। ओके तो क्यूरी के थ्रू आप करते हैं तो कुछ नहीं, खास नहीं लिखना होता। एक मिनट, मैं न्यू मीडिया पे क्लिक कर रहा हूं। यहां पे सिंपल सा लिखना होता है ड्रॉप डेटाबेस। क्रिएट करने के लिए क्रिएट होता है और डिलीट करने को ड्रॉप कहा जाता है। ठीक वेस्ट, और मैं इसे लिखता हूँ डिलीट डेटा। ठीक है, सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अब मैं इसको एक्सक्यूट करता हूँ। एक्सक्यूट तो हो गया। एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, आपको दिखेगा कि यहाँ पे डी डेटा गायब हो चुका है। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उस केस में अगर दिक्कत होती है तो आप इस तरह से लिखिएगा कि यूज मास्टर। ठीक ओके है, ठीक और यहां पे गो, और फिर यहां पे गो नीचे। ठीक ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मतलब कि सिस्टम इसी तरह से करता है करने के लिए। अब जैसे कि हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि किस तरीके से हम टेबल क्रिएट करें, तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप, हमने यहां पे क्या किया, राइट क्लिक किया और यहाँ न्यू टेबल, और एक छोटा सा टेबल बना देता हूं मैं, क्योंकि मैं वो डिलीट कर दिया था। यहाँ पे टेबल पे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, मान लीजिए नेम, और यहाँ पे हो जाएगा सिटी और एरिया। स्लो चल रहा है वो, और मैं इसको सेव कर देता हूँ टेबल और नाम। अब मुझे इस टेबल वन को डिलीट करना है। ठीक है, तो टेबल वन को भी डिलीट करने के लिए आप यहां राइट क्लिक और यहां डिलीट पे क्लिक करेंगे, तो यहां डिलीट करने का ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे, आपका डिलीट हो जाएगा। या मैं इसको रिनेम करना चाहता हूं, तो मैंने इसको रिनेम पे क्लिक किया, हम टेबल वन के जगह पे डेटा कर देते हैं, रिनेम कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसको डिलीट करना है थ्रू द क्यूरी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखिएगा इसके लिए क्यूरी क्या ऐड करते हैं हम इसके अंदर। तो टेबल को डिलीट करने के लिए हम यहां पे लिखेंगे ड्रॉप तो ड्रॉप कमांड यहां पे भी इस्तेमाल होता ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम जो भी है आपका। ठीक है, ठीक यहां पे आया बिना आ जाता टेबल कर, है। ठीक
अब मैं इसको एक बार एक्सपोर्ट करता हूं। ये यहाँ पे दिक्कत किया, क्यों किया दिक्कत? क्योंकि तो टेबल के साथ मुझे एक्सटेंशन लगाना भूल गया कि दे दियो। EBO डॉट, कल ही प्रॉब्लम हुई थी ना। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। एक मिनट रुकिए। हाँ यहाँ पे परमिशन नहीं दे रहा है। इसमें भी सारे यूज मास्टर कर। पे लिखना पड़ेगा यूज मास्टर, यूज मास्टर। गो, क्योंकि डायरेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि हम तो एडमिनिस्ट्रेटर ही ओके डालो कर रखे हैं, लॉगिन कर रखे हैं, वहां पर प्रॉब्लम होती है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर मैं भूल गया था, यहाँ पे हम मेरी भूल है कि सर यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो डेटाबेस है। तो आपके पास एक डेटाबेस होता है तो फिर आपको डेटाबेस का नेम देने की जरूरत नहीं है, बट नहीं आपके सिस्टम में कई सारे डेटाबेस हैं तो सिर्फ यूज द डेटाबेस, क्योंकि फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि डेटा बी डेटा में देखे या जी डेटा में। तो ओके यहाँ पे मुझे बता, क्योंकि अच्छा। आप एसक्यूएल क्वेरी राइट कर रहे हैं तो एसक्यूएल क्वेरी किसी एक डेटाबेस को असाइन नहीं है, समझे? ओके चलिए मैं हटा देता हूँ कंफ्यूजन, लेकिन इसे ध्यान आप रखिएगा, ठीक है ना? ठीक है ठीक। ओके, अब मैं इसमें अब बात करते हैं, जैसे मैं टेबल इंसर्ट किया तो उसके कुछ कॉलम्स को चेंज है, डिलीट करना है, उसके कॉलम्स को डिलीट करना है। जैसे कि ठीक। नेम है, नेम दे दिया, सिटी दे दिया, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ एरिया और जोन। मैंने टेबल क्रिएट कर दिया डेटा के ठीक नाम से, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि मुझे इसमें से जोन को डिलीट करना है, ठीक है? तो ये देखिए, ये एडिट हुआ है टेबल के अंदर, उसके लिए बोलते हैं अल्टर। तो अल्टर टेबल, और यहां पे टेबल का नेम, जो आपका टेबल का नेम है तो हमने कर दिया DBO डॉट डेटा, और फिर यहां पे लिखना होगा ड्रॉप कॉलम का नेम, तो मैंने बोला जो, ओके ठीक है? ठीक। और फिर मैं एक्सक्यूट करता हूँ उसको। ओके, एक मिनट रुकिए, इसको रिफ्रेश करने दीजिए। तो यहाँ पे देते हैं हम DB, यहाँ पे डी डेटा डॉट DBO डेटा, ठीक है? यहां पे आ गया जोन इज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, यहां पे मैं सिंगल को हटा देता हूं, ठीक
ये बोल रहा है डेटा रेंज जोन एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। इस तरह से लिखना पड़ेगा जी डेटा डॉट डीबीओ डॉट डेटा डेटा यहाँ पे डॉट जो पूरा पाथ देना पड़ सकता है। ओके बोला है जॉन ग्लोबल मीनिंग, एक बार मैं इसको सिलेक्टेड 100 हो करता हूँ। हाँ तो जेड ओ एन एस जॉन, एक सेकंड दीजिए। हाँ सुबह जी, बोला है ही नहीं। फिर मैं देख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद बताता हूँ। अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमने बताया आपको, इसको टेबल जो भी डेटाबेस है, क्यूरी जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो इसको आप बीबीए के जरिए कैसे ट्रिगर करेंगे? क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं एक एक्सेल पे जाऊं, बटन पे क्लिक करूं, और बटन पे क्लिक करते ही हमारा डेटा क्रिएट हो जाए। ओके, माफ कीजिएगा सर, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमें ड्रॉप कॉलम करना चाहिए था। ओ जस्ट याद आया, सुबह का टाइम है सर, नाश्ता वास्ता किया नहीं है सर, इसलिए हो गया। तो यहाँ पे हमने डिलीट कॉलम कर दिया। तो जो भी हम एसक्यूएल क्वेरी कर रहे हैं उसको हम वीवी के थ्रू कैसे ट्रिगर करें, चलिए ये चीज हम आपको बताते हैं। मैं वीवी में बटन बनाना चाहता हूँ तो मेरा डेटाबेस बन जाए, मैं वीवी में बटन लगाना चाहता हूँ तो मेरा टेबल बन जाए, मैं वीवी में बटन लगाऊ और मेरा डेटाबेस डिलीट हो जाए वगैरह वगैरह। तो इसके लिए भी आप क्रिएट, आप जैसे बातचीत हुई थी आपको पता है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट डिफाइन करेंगे और सब्जेक्ट डिफाइन करने के बाद आप टूल्स में जाएंगे रेफरेंसेस में, राइट राइट। और रेफरेंसेस में आप यहाँ नीचे ढूंढेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफ एक्टिवेक्स 2.0। ओके, 2.0 माइक्रोसॉफ्ट एक्सन हो गया, एक्टिव एक्स हो गया डेटा लाइब्रेरी, ठीक है, ये जरूर करिएगा वरना फिर कोड वर्क ही नहीं करेगा। फिर यहाँ पे तीन चीज, पहला आपका कनेक्शन सीओएल एज ए न्यू, अब सीओएल की जगह कुछ भी दे सकते हैं सर, न्यू ए डी ए डी ओ डी बी डॉट कनेक्शन,
फिर डिम रिकॉर्ड से एज ए न्यू ए डी ओ डी डॉट रिकॉर्ड से, और तीसरा कमांड लाइन सी एम डी कर देता हूं एज ए न्यू एडीओ डॉट कमांड, ठीक है सर? ठीक, 3-0। अब हमें कनेक्शन को सेट करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे कनेक्शन डॉट ओपन, ओपन में यहां देना है प्रोवाइडर क्या है, तो हम यहां पे लिखा प्रोवाइडर, ये जो आपका कनेक्शन स्ट्रिंग होता है कि प्रोवाइडर इक्वल टू स्पेलिंग से रखिएगा, ठीक है, एस क्यू एल ओ एल ई डी बी, ये इसका कमांड क्या है, और यहाँ पे एक्सेस है तो एक्सेस हो जाता है, और यहाँ पे सिंगल ये लिखिएगा क्या बोलते हैं उसको सेमी कॉलन। अब डेटा सोर्स क्या है, तो डेटा सोर्स में हमारा जो एसक्यूएल सर्वर का जो ये है ना इसको लेना है, तो कनेक्ट करते समय चीज आ जाता है, इसको कॉपी कर लीजिए यहां से पास्ट के साथ, और फिर मैं सेमी कॉलन, अब इसमें क्या सिक्योरिटी इंडिकेटेड सिक्योरिटी देना होता है, तो यहां पर मैं बोला इंटीग्रेटेड integrated SECU security होता है, SECURITY कुछ पहली मिस्टे को बता दीजिएगा सर, ठीक है, आपको SSPI कॉमा कर दिया। अब आपके SQL सर्वर अगर यूजर आईडी है तो डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, बट मेरा क्या है लोकल होस्ट है विंडो ऑथेंटिकेशन पे है, तो हमें इसमें डालने की जरूरत नहीं है, तो हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया, मतलब कि SQL सर्वर को हमने DBA के थ्रू। अब हम बोलते हैं कि कमांड लाइन मतलब सीएमडी डॉट एक्टिव कनेक्शन इक्वल टू, हमने बोल दिया CON, कमांड लाइन का कनेक्शन कौन सा है, तो जब SQL ओपन हुआ वो। अब हम यहां पे लिखते हैं cmd dot command text, अब यहां पे अपना SQL का क्वेरी लिखना है, जैसे हम लिख देते हैं क्रिएट डेटाबेस, और नेम दे देते हैं मान लीजिए डीटी डेटा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट करना है सेट रिकॉर्ड सेट, रिकॉर्ड सेट क्योंकि यही ओपन करेगा, इक्वल टू सीएमडी डॉट एसक्यूट, हमने एसक्यूट पे क्लिक करते हैं ना, इसने क्यू देखिए इसने क्या किया, ओपन ये कर दिया डेटाबेस को, एसक्यूएल सर्वर को ओपन किया, इसने आपका डेटाबेस ओपन किया, इसने क्यूरी पे जाके क्यूरी को लिखा, अब ये क्या कर रहा है को रन कर रहा है, तो रिकॉर्ड सेट नहीं चाहिए, पैरामीटर नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको देना है क्या देना है ए डी सी एम डी टी एक्स ये देना होता है बस, राइट। अब इसको डायरेक्ट रन करें या किसी बटन के थ्रू रन, बटन के थ्रू रन करें, बटन के थ्रू रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बटन बनाना होगा, और यहाँ पे क्या था आर आर था, नहीं सी आर क्रिएट डेटा बेस साइन माइक्रो और बटन थ्री के जगह पे हम लिख देते हैं क्रिएट डेटा बेस, राइट, ठीक है, राइट। अब मैं जैसे पे क्लिक करता हूँ, हो गया, लास्ट में अगर मैसेज बॉक्स दे दूंगा तो उसके हिसाब से चलेगा, मतलब कंफर्मेशन देगा कि हाँ योर डेटाबेस भी क्रिएटेड, अब इसको कनेक्ट करके आप देख लीजिए कि आपके पास
डेटाबेस डीटी डेटाबेस आया है या नहीं आया, आ गया क्लियर है। अब इसी में जो क्यूरी हमने बताया डिलीट डिलीट इसमें क्रिएट टेबल, क्रिएट आपका टेबल क्रिएट करने का, तो आपको इसे कुछ करना है यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी बदलते चले जाइए और आपका बीबीएस से मतलब बीबीएस से हम टेबल वहां बना सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हाँ डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल बस यहाँ पे क्यूरी करना। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे फिक्स हो गया ना, अब बीबीएस यूज क्यों करेगा, मतलब यहाँ पे हम क्यों यूज करेंगे, हम डायरेक्ट यहीं से कर देना। अब मान लीजिए ना ये चीज आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको कल बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अपने हिसाब से टेबल, जब मैं रन करूं तो मुझे नाम, क्योंकि यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए तो वी एसक्यूएल की नॉलेज होनी चाहिए ना, लेकिन आपको चाहते कि यूजर को दे दिया वो अपने हिसाब से डेटाबेस क्रिएट कर दे। ओके तो यहाँ पे एक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे बीबीए में, डिम आर एज ए स्ट्रिंग, इनपुट बॉक्स दे देंगे आर इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहां पे लिख देंगे कि एंटर डेटा राइट। अब यहाँ बी डेटा है ना, सिर्फ स्पेस देंगे यहाँ पे कंप्यूटर नेट के साथ आर कर देंगे और इसको डिलीट कर। अब जैसे ही मेरा माइक्रो कोई फिगर करेगा तो भी आर टेबल नेम डेटाबेस नेम, अब यहाँ पे मैं दे दिया आई डेटा। अब आपका डेटाबेस में देखिए आई डेटा, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आई डेटा भी देखिए आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से मान लीजिए कि आपके टेबल क्रिएट करना, मान लीजिए कि आपको इसमें एसक्यूएल में जो है 50 एक 50 सीट्स है आपके पास, अभी हाल ही आपके पास 50 सीट्स है, तो आपको 50 टेबल क्रिएट करने हैं किसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर। अब एक क्यूरी इस तरह से लिखते चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना सर। तो उसको हम उसी क्यूरी को वीवी के थ्रू रन करेंगे और टेबल नेम को डायनेमिक कर देंगे और एक एक करके टेबल नेम को क्रिएट कर देंगे। आप इसको ट्राई कीजिएगा, वरना हम कल इस क्लास कल की क्लास में हम आपको बताएंगे। तभी आपको ट्राई क्या करना है, इसी वीवीए कोड के थ्रू आपको ट्राई करना है डिलीट डेटाबेस, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, क्रिएट टेबल। चलो आज की क्लास में जो भी एसक्यूएल क्वेरी है आप वीवीए के थ्रू इसको क्लियर कीजिए। ठीक है, फिर हम आपको डेटा इंसर्ट करना सिखाएंगे अगली क्लास। ठीक ओके बाय।